नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा नहर में दुपट्टे से बंधे हुए मिले चार लाशों के मामले में मृतकों की पहचान की गई है और जिसमें एक बड़ा खुलासा भी हुआ। ये परिवार मूल रूप से फतेहाबाद जिले का रहने वाला है। इन चारों के हाथ एक ही दुपट्टे में बंधे हुए थे। जिले के गांव भूतन कला का रहने वाला था ये पूरा परिवार और पिछले करीबन 6-7 सालों से ये परिवार फतेहाबाद शहर में किराए के मकान पर रह करके बसा हुआ था। पुलिस का मानना है कि मृतकों की शिनाख्त परिवार के मुखिया कुलदीप के रूप में हुई है और कुलदीप के साथ दुपट्टे से उसकी पत्नी, 5 साल के बेटे रितेश और 9 साल की बेटी दीक्षा के साथ बंधे हुए हाथ थे। सिरसा जिला के जमाल चौकी पुलिस की टीम आज देर शाम को जांच के लिए फतेहाबाद पहुंची। मृतक के परिवार माथुराम कॉलोनी में स्थित उसके मकान पर पहुंची, जहां पर परिवार किराए के मकान में रहता था। मकान पर ताला लटका हुआ था और वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि से बातचीत की गई तो उसने बताया कि परिवार कुछ दिनों से गायब था। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास पहुंचने पर आज ही पता चला है। आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक कुलदीप सब्जी की रेहड़ी लगाता था और उसकी पत्नी परचून की दुकान चलाती। कुलदीप के 2 बच्चे थे। वहीं जमाल चौकी से केस जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के भाई महावीर, जिसने मृतकों की वायरल हुई फोटो और कपड़ों से परिवार की पहचान की। परिवार के सदस्यों ने बताया कि कुलदीप टेंशन में रहता था, लेकिन उसने कभी परिवार से किसी तरह की अपनी परेशानी का जिक्र नहीं किया। पड़ताल में पुलिस को फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। प्राथमिक तौर पर जांच अधिकारी ने मामले को सुसाइड करार दिया। हालांकि अभी तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं लग पाया। वहीं फतेहाबाद पुलिस के साथ मिलकर सिरसा पुलिस नहर में मिली 4 लाशों के मामले में पूरी तरह सुलझाने के प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट राजेश भांबू के साथ। फोटो देख के जो हमने वायरल किया था, उस वायरल के अनुसार उसके भाई महावीर समय दुली चंद वासी भूथण कला ने उसको स्वागत किया है। फिर उनके परिवार के आदमी, उनके रिश्तेदार मेरे पास चौकी जमाल में आए। सभी ने फोटो देखे, कपड़े मृतकों के कपड़े देखे। लड़की का नाम है दीक्षा, जिसकी उम्र करीब 9-10 साल और ये बेटा है उसका रितेश, वह उम्र 5 साल है। उसके रूप में उनकी स्वागत हुई है। ये सुसाइड है। इस दिन ऐसा कोई मामला नहीं बताया गया है तो प्रिजनों ने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मामला नहीं बताया। वैसे टेंशन में रहता था, इसके भाई ने कहा, अभी हमने काफ़ी बार इसको पूछा, लेकिन इसे कभी भी कुछ नहीं बताया इसने हमारे को। वो उनका फतेहाबाद के अंदर संजय बनने के अंदर परचून की दुकान करता था और सब्जी वगैरह बेचता था। कितने टाइम से? करीब 6-7 साल से बता रहे हैं। सर, ये आपके मोहल्ले में एक परिवार रहता था जिसकी लाशें सिरसा नहर में मिली हैं। पुलिस आज फतेहाबाद की इस कॉलोनी में आई थी, क्या पूरा मामला है? आज ही हमें पता लगा था ये परिवार, इस परिवार के बारे में। ये लड़का कुलदीप था जो सब्जी वगैरह का काम करता था और यहाँ मिसिज इसकी तो परचून की दुकान करती थी। तो आज जैसे ही सिरसा पुलिस आई तो हमें पता लगा कि ये लड़का मतलब 3-4 दिन से गायब था और आज इसके परिवार की बॉडी मिली है। उसका अंतिम संस्कार होने के बाद हमें पता लगा ये पुलिस आने का। तो परिवार क्या काम करता था, कोई पता आपको, कोई आइडिया है अभी उन्होंने आत्महत्या कोई कांड क्यों हुआ? ये यूँ पता लगा है, जो लड़का था कुलदीप, ये पीछे गांव भूतन खुर से था, तो यहाँ सब्जी वगैरह का रेडी लगाता था खुद के लिए। और जो इसकी पत्नी थी वो यहाँ परचून की दुकान करती थी। 2 बच्चे थे इनके साथ में, ये पूरा परिवार यहाँ रेंट पे उदय सिंह है, मकान के जो मालिक है उनके किराए पे बैठा था। ये कोई आपसे कभी जिक्र हुआ कि आप MC हैं, कभी आपसे मिला जुला हो, कभी कोई परेशानी में हो, कुछ पता लगा? हाँ, ये शाम सुबह आता था, वो एक ही गली में रह रहे हैं, तो जैसे ही सुबह शाम सब्जी देने के लिए आता था तो राम राम इससे होती थी। कभी इसने इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रखी कि किसी परेशानी में हो या कि किसी के साथ कोई लेन देन हो, कोई किसी प्रकार के घरेलू हिंसा, कोई झगड़ा हो, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी इसके को डर के अंदर। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरे बनोद पार्षद प्रतिनिधि हूँ।